नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। और आज हम लोग चलिए तो आज पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल एंड सर्कुलर फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल, जो जेड है, ठीक है। उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा? हम लोग जानते हैं कि ई टू द पावर अगर कुछ लेंगे तो उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर कम्प्लेक्स वेरिएबल जेड है, कम्प्लेक्स हम लोग नंबर पढ़ रहे हैं, तो ई टू द पावर जेड के रूप में रहेगा, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। सर्कुलर फंक्शन क्या हो गया? जो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद क्या होगा, वो रिपीट करेगा। जैसे कि साइन फंक्शन हुआ, कोसाइन फंक्शन हुआ, क्या हो रहा है, 2π के बाद रिपीट कर रहा है अपना वैल्यू को, तो उसको हम साइन जेड और कोस जेड के वैल्यू देखेंगे कि क्या होती है, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे कम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, टॉपिक लिखते हैं। क्या है कि एक्सपोनेंशियल एंड सर्कुलर फंक्शंस ऑफ कम्प्लेक्स वेरिएबल। जैसे कि देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ई टू द पावर आयोटा थीटा होता है, ये क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ई टू द पावर आयोटा थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इधर ई टू द पावर जेड है, कम्प्लेक्स वेरिएबल जेड है, इसको कैसे लिख सकते हैं, जेड टू द पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 2/, यानी जेड स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस जेड 4/4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, इस टाइप से बढ़ सकते हैं ई टू द पावर जेड को, ठीक है। अब जैसे इसमें देखिए कि साइन जेड में क्या कर सकते हैं, ओड नंबर के टर्म में बढ़ेगा, ठीक है, और अल्टरनेट पोजिशन पर प्लस और माइनस होगा। जैसे ध्यान दीजिए, इधर जेड टू द पावर 1/1 फैक्टोरियल माइनस, अब क्या हो जाएगा, जेड क्यूब हो जाएगा, जेड क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस जेड टू द पावर 7/7 फैक्टोरियल, फिर प्लस होगा डॉट डॉट, इस स्टेप से बढ़ते जाएगा, ठीक है। साइन जेड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस जेड को कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, इधर कॉस जेड है, ये इवेंट नंबर के टर्म में बढ़ेगा, कॉस जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड टू द पावर 0/0 फैक्टोरियल माइनस जेड स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल, फिर माइनस जेड टू द पावर 6/6 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस डॉट डॉट, इस टाइप से लिख सकते हैं कॉस जेड को, साइन जेड को, ये सर्कुलर फंक्शन है, साइन जेड को ये क्या हो गया, कम्प्लेक्स वेरिएबल जेड है, इसका फंक्शन हो गया ये साइन जेड का, फिर कॉस जेड का ये हो गया, ठीक है। और ई टू द पावर जेड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जेड टू द पावर 0/0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल क्या होती है, 1 होती है, तो जेड टू द पावर 0 यानी किसी भी चीज़ पर पावर 0 यानी 1 होगा, तो ये 1 हो गया प्लस इसको ये जेड हो गया प्लस जेड स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, जेड क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल, एक्सपोनेंशियल एंड सर्कुलर फंक्शन हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर अगर ये रहेगा ई टू द पावर आयोटा थीटा है, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हम लोग लिखे, बस समझ गए। अब ये रहेगा कि ई टू द पावर अगर आई जेड रहेगा तो फिर कैसे लिखेंगे, समझ गए, ऐसे कीजिए, इसको लिखिए, मिटाते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग कैसे लिखे थे, ई टू द पावर आयोटा थीटा, अब ऐसे लिख दे रहे हैं, ई टू द पावर आयोटा जेड लिख दे रहे हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके वैल्यू पर ये पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस जेड का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस जेड स्क्वायर 2 फैक्टोरियल प्लस क्या लिख सकते हैं, जेड टू द पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस जेड टू द पावर 6/6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, फिर आई साइन जेड प्लस आई साइन जेड की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड टू द पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस माइनस करेंगे इसमें, ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पर एक माइनस होगा, माइनस जेड क्यूब 3 फैक्टोरियल प्लस जेड टू द पावर 5/5 फैक्टोरियल माइनस जेड टू द पावर 7/ क्या हो जाएगा,
सेवन फैक्टोरियल, बस समझ गए। तो ऐसे प्लस डॉट डॉट इस टाइप से लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान दीजिए इधर, इसको अब ऐसे सजाइए, वन है तो वन प्लस, अब ऐसे लिखिए ये वाला आई आई जेड टू द पावर वन बाय वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं इसको लेकर के। फिर इसको लिखिए माइनस जेड स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल, इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस आई जेड का स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कैसे कैसे लिख सकते हैं इसको, आई स्क्वायर क्या हो गया माइनस वन और जेड स्क्वायर हो गया माइनस जेड स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल लग गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस जेड क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल है, इसको कैसे लिख सकते हैं, आई जेड टू द पावर थ्री बाय थ्री फैक्टोरियल। कैसे लिख सकते हैं, आई टू द पावर थ्री कितना हो गया आई स्क्वायर इंटू आई, तो आई स्क्वायर कितना हो गया माइनस, और माइनस हो गया और ये क्या हो गया आई हो गया माइनस आई बाय थ्री फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया आई इंटू जेड क्यूब ये हो गया और माइनस ये हो गया माइनस आई, समझ गए। इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस आई होगा ना, आई इंटू माइनस जेड क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल, तो इसको कीजिएगा तो क्या होगा आई क्यूब यानी माइनस आई और जेड क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल ये हो गया। फिर इसी तरह हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आई जेड टू द पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ऐसे लिख सकते हैं आई जेड टू द पावर फाइव बाय फाइव फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें ये पुट किए कॉस जेड और साइन जेड का वैल्यू ये पुट किए, ठीक है। तो ये जो आएगा, अब ध्यान दीजिए इधर, ई टू द पावर एक्स क्या होता है, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल। अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि सबसे ऐसे कीजिए, इसको रहने दीजिए ई टू द पावर आई जेड, हमको ये लिखना है कॉस जेड प्लस आई साइन जेड का वैल्यू लिखे, इस टाइप से लिख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉस जेड और साइन जेड के रूप में। तो इसमें जो कॉस जेड और साइन जेड का वैल्यू पुट किए थे ये आ रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखिए कि इस रूप में आ रहा है, एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या है आई जेड है, समझ गए। तो आई जेड है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं ई टू द पावर, देखिए यहाँ पर एक्स है आई जेड पर पावर वन, एक्स स्क्वायर है आई जेड का स्क्वायर, आई जेड क्यूब है एक्स क्यूब है आई जेड क्यूब, इसका मतलब ई टू द पावर एक्स का था, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर आई जेड का ये हो जाएगा। यानी ई टू द पावर आई जेड को हम लोग यानी कॉस जेड प्लस आई साइन जेड, कॉस जेड और साइन जेड का वैल्यू जो इसमें पुट किए तो क्या आ गया ई टू द पावर आई जेड, यानी ई टू द पावर आई जेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस जेड प्लस आई साइन जेड लिख सकते हैं, ठीक है, बस समझ गए। अच्छा अब इसका देखिए कंजुगेट लिखते हैं, कंजुगेट में क्या करते हैं जो आयोटा का ये कोफिशेंट होता है इमेजिनरी पार्ट, उसको क्या करते हैं, अगर प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो फिर प्लस कर देंगे, बस समझ गए। हम लोग अभी क्या देखें कि ई टू द पावर आई जेड को क्या लिख सकते हैं कॉस जेड प्लस आयोटा साइन जेड, ठीक है। फिर सिमिलरली इसको हम लोग कैसे क्या प्रूव कर सकते हैं ई टू द पावर माइनस आई जेड को कॉस जेड माइनस आयोटा साइन जेड, ठीक है। अब एक बार क्या कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए तो क्या हो जाएगा टू ई टू द पावर आई जेड, ये क्या हो जाएगा टू कॉस जेड, ठीक है। अच्छा माइनस आई जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड को हम लोग ये लिख सकते हैं कॉस जेड माइनस आई साइन जेड, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर, एक बार प्लस कीजिए दोनों को, ई टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड क्या लिख सकते हैं टू कॉस जेड, ये तो कट गया, ठीक है। तो कॉस जेड को हम लोग इसके रूप में कैसे लिख सकते हैं, इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में ई टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड बाय टू लिख दिए, ठीक है। यानी कॉस जेड को हम लोग सर्कुलर फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या कर दिए, रिलेट कर दिए इस फॉर्मूला से, कॉस जेड को ई टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड बाय टू लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग साइन जेड को लिखेंगे इसके रूप में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूप में, तो दोनों का रिलेशन बन जाएगी। अब देखिए कि दूसरे में क्या कर सकते हैं, ई टू द पावर आई जेड है ई टू द पावर माइनस आई जेड है, अब क्या करेंगे इसको फर्स्ट मान लीजिए इसको सेकेंड, दोनों को घटा दीजिए, घटाइएगा तो क्या हो जाएगा ये वाला टर्म गायब हो जाएगा, तो आई टू आई साइन जेड ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना घटाइएगा तो माइनस आई साइन जेड यानी टू आई साइन जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर आई जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड, ई टू द पावर आई जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो साइन जेड इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं ई टू द पावर आई जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड बाय ये टू आई है तो टू आई यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगी, ये लिख सकते हैं कॉस जेड इक्वल टू ई टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस आई जेड बाय टू,
sin z को क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर i z माइनस e टू द पावर माइनस i z बाय 2i लिख सकते हैं, 2 आयोटा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं, डी मॉयवर्स थ्योरम। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका बहुत ही बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसको चलिए देखते हैं। डी मॉयवर्स थ्योरम क्या कहती है कि जैसे ध्यान दीजिए, इधर कॉस थीटा है प्लस आयोटा साइन थीटा है, अगर इस पर पावर एन है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा हो जाएगा प्लस आयोटा साइन एन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आर्गुमेंट के साथ, एंगल के साथ, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, इसका ये हो जाएगा। अब देखिए कि इसको हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, एक तो है कि एक्सपोनेंशियल का हेल्प ले लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे ले लेंगे उसका वैल्यू, ध्यान दीजिए इधर e टू द पावर आयोटा थीटा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कीजिए, दोनों साइड पावर n कीजिए, e टू द पावर आयोटा थीटा पर पावर n क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस पर पावर भी n हो जाएगा। ठीक है, रेजिंग पावर n टू द बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, पावर एन रेज करेंगे दोनों साइड, ई टू द पावर आयोटा थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आई एन थीटा। ठीक है, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये, और ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस पर पावर क्या हो जाएगा एन। अब ध्यान दीजिए कि ई टू द पावर आई एन थीटा है, अब ई टू द पावर आई थीटा को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख रहे थे, e टू द पावर आई जेड को कॉस जेड प्लस आई साइन जेड लिख रहे थे, उसी प्रकार e टू द पावर आई एन थीटा है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके इसके साथ क्या आ जाएगा, e टू द पावर आई एन थीटा है, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, फिर इसके इक्वल हो गया कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इसका पावर। ठीक है, ये लिखे या फिर ये लिखे, दोनों एक ही बात हुआ, बस समझिए। तो डी मॉयवर्स थ्योरम यही कह रहा है कि अगर पावर रहेगा तो ये आर्गुमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि इसको हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से भी प्रूव कर सकते हैं। इंडक्शन क्या हो गया कि मान लीजिए कि कोई सवाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो एक स्टेप दो स्टेप कैसे बढ़ रहा है, तो तीसरा स्टेप भी उसी टाइप से बढ़ेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी इंडक्शन से उसको हम लोग इस चीज़ को इंडक्शन से हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर एन क्या हो जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, इसके इक्वल होगा, इसको हम लोग प्रूव करना है। तो फर्स्ट हम लोग तीन केस लेंगे, फर्स्ट केस क्या हो जाएगा कि अगर एन क्या है, इस पर पावर जो है एन क्या है, एन बिलोंग्स टू नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर लेंगे, फिर इसके बाद नेगेटिव इंटीजर लेंगे, फिर इसके बाद क्या लेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन लेंगे। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा कि न्यूमरेटर स्मॉल रहेगा विथ रेस्पेक्ट टू डेनोमिनेटर के तुलना में। तो एन यहाँ पर क्या है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव का यूज किया, नॉन नेगेटिव तो फिर पॉजिटिव का ही नहीं यूज किया। जैसे कि देखिए कि इंटीजर क्या होती है, 0, 1, 2, 3 डेट इज इस टाइप से इनफाइनाइट होगा, फिर -1 लेफ्ट में, एक एक घटते जाएगी, -3 डॉट डॉट क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी ये। तो क्या हो रहा है कि जीरो क्या है, हम लोग पढ़े हैं कि जीरो क्या है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर है, ना तो ही नेगेटिव में क्लास में आती है और ना ही पॉजिटिव के क्लास में आती है, इसी कारण जीरो को भी इंक्लूड कर, ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये नॉन नेगेटिव तो है ही ये, लेकिन ये क्या है कि ना तो पॉजिटिव है नॉन नेगेटिव है, तो इस जीरो को भी इंक्लूड करने के लिए ये नॉन नेगेटिव का प्रयोग हुआ है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं कि अगर n क्या है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो फिर कैसे करेंगे।
ध्यान दीजिए इधर, हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, ठीक है, अलग अलग मान लेते हैं, फिर बाद में हम लोग इक्वल प्रूव कर देंगे कि थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री सब इक्वल है ना, इस पर पावर एन है। तो देखते हैं कि कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, ठीक है, जिस प्रकार ये स्टेप बढ़ेगी दूसरा स्टेप भी बढ़ेगी, थर्ड स्टेप भी क्या होगा उसी टाइप से ये पैटर्न फॉलो करेगी, ठीक है। कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू से, बस समझ गए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए इधर, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बताए थे कि रियल पार्ट और ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इसको फटाफट कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू, अब क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, ठीक है, प्लस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, इसका रियल पार्ट इसके इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा वन साइन थीटा टू, ठीक है, प्लस इसका इमेजिनरी पार्ट इसके रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन कॉस थीटा टू, ठीक है, ऐसे ये हो गया। अब ध्यान दीजिए कि कॉस कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन साइन थीटा टू, किसका फॉर्मूला है ये, मान लीजिए कि ए प्लस बी है, ए और बी एंगल है, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका होता है, कॉस ए प्लस बी का, ए प्लस बी में साइन वाला क्या होता है, माइनस में हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू, ये लिख सकते हैं, प्लस प्लस ये क्या हो जाएगी आयोटा, अब कॉस कॉस ए साइन बी और साइन ए कॉस बी, ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस कॉस ए साइन बी, इस टाइप से लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, थीटा टू प्लस थीटा वन लिखिए या फिर थीटा वन प्लस थीटा टू लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं, मतलब इस बात को मल्टीप्लाई किए तो कैसे लिख दिए, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू। तो इसमें हम लोग क्या ये कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन है, तो यहाँ पर रियल वाला पार्ट क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है, कॉस रियल वाला जो एंगल है, ये रियल पार्ट का जो एंगल है आर्गुमेंट है, ये क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू। फिर क्या हो रहा है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट का एंगल है आर्गुमेंट है, ये क्या हो रहा है कि ये भी ऐड हो जा रही है, आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो। अब देख रहे हैं कि अगर तीन ले रहे हैं, कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू इंटू कॉस कॉस थीटा थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा थ्री, अगर इसी तरह से बढ़ रहा है तो हम लोग इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर एन तक है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस डॉट डॉट एन तक, फिर प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री एन तक, थीटा एन तक ले सकते हैं, ठीक है। और बाद में क्या करेंगे कि हम लोग इसको इक्वल कर देंगे कि थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री सब क्या है, इक्वल है, तो ये इसके बराबर प्रूव हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये तो ये हो गया कि अगर दो का हम लोग पेयर लिए तो क्या हो रहा है, ऐसे फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब थ्री का ले रहे हैं तो देख रहे हैं कि मतलब ये फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो चलिए तीन का लेते हैं, क्या लेंगे, कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा थ्री, ठीक है, आयोटा साइन थीटा थ्री। अब देखिए कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कैसे कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, सबसे पहले इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस थीटा वन प्लस कॉस थीटा टू है, अभी हम लोग देखें कि क्या आया इसका, अभी देखिए कि इसका क्या आया, हम लोग पहले इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है, फिर इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, और समझ गए। तो क्या हो जाएगा, कॉस अभी क्या देखें कि दोनों को ये करने पर क्या आ रहा था, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस आयोटा, आयोटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू, ये आ रहा है। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस थीटा थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा थ्री के साथ,
अब ये फर्स्ट वाला फॉलो हो रहा था, तो ये सेकंड वाला ध्यान दीजिए, इसको एक मान लीजिए, एक एंगल है थीटा वन प्लस थीटा टू, थीटा वन प्लस थीटा थ्री। अब क्या हो गया हमारे पास, फिर दो हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। फिर इसको कैसे कर सकते हैं कि फिर ऐसे ही कर देंगे जो फर्स्ट स्टेप में किए थे, क्या हो जाएगा कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस आयोटा, फिर ये वाला एंगल ऐड कर देंगे आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए कि अब हमारे पास क्या रहेगा, एन एंगल रहेगा। ठीक है, उस केस में कैसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, अगर एन एंगल रहेगा तब कैसे लिख देंगे, कॉस कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू कॉस थीटा थ्री प्लस आयोटा साइन थीटा थ्री डॉट डॉट, क्या हो जाएगा कॉस थीटा एन प्लस आयोटा साइन थीटा एन। ठीक है, तो अगर दो स्टेप देखें कि उसी तरह बढ़ रहा है, तो ये भी क्या होगा इंडक्शन से, तो ये भी ऐसे ही बढ़ेगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस थीटा एन, ऐसे बढ़ेगी प्लस आयोटा साइन, ये क्या हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस डॉट डॉट, क्या हो जाएगा थीटा एन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि अगर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। बस समझ गए, कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस थीटा एन प्लस थीटा एन तक क्या हो जाएगी, प्लस आयोटा साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस थीटा थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस थीटा एन तक हो जाएगी। ठीक है, ऐसे हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हमको थीटा का वैल्यू सेम ही है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा उस पर पावर एन है, यानी इतना बार मल्टीप्लाई करेंगे, एन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो एन टाइम्स इसी बात को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, ध्यान दीजिए हम लोग ये एज्यूम कर ले रहे हैं, क्या एज्यूम करेंगे, ध्यान दीजिए इसको थोड़ा मिटाते हैं, हम लोग एज्यूम क्या करेंगे कि थीटा वन इक्वल टू थीटा टू इक्वल टू थीटा थ्री इक्वल टू डॉट डॉट इक्वल टू थीटा एन, ये किसके इक्वल है, ले लेंगे थीटा के इक्वल है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा थीटा वन थीटा टू इक्वल है, थीटा टू भी इक्वल है, तो कॉस थीटा टू की जगह थीटा ही लिख देंगे प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा डॉट डॉट, एन वाला भी यही हो जाएगा, ये वन था फिर टू फिर ये थीटा एन तक, थीटा एन की जगह भी हम थीटा ही पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एन, यानी थीटा एन को भी हम थीटा ही ये किए हैं। अब क्या हो जाएगा, कितना बार ये मल्टीप्लाई है, कितना बार मल्टीप्लाई है, ये एन बार मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा प्लस, ये क्या हो जाएगा थीटा, कितना बार ये हो जाएगा, अभी हम लोग किए थे कि थीटा वन थीटा टू ये इसके साथ ऐड हो जाती है, कितना बार होगा प्लस डॉट डॉट एन टाइम्स एन बार हो जाएगा ऐड। ठीक है, प्लस आयोटा साइन ये भी ऐड हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू, यानी थीटा प्लस थीटा कितना बार, एन टाइम्स। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एन थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, कॉस एन थीटा, क्योंकि थीटा है थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा, थीटा कॉमन लेंगे वन प्लस क्या हो जाएगा वन प्लस वन कितना बार, एन बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, किसका वैल्यू आया, हम लोग किसको ये बढ़ा रहे थे, कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर एन है, ये क्या है एन बार मल्टीप्लाई है यानी पावर एन है, तो ये पावर एन को क्या लिख दे रहे हैं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा लिख दिए। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अब ये था कि नॉन नेगेटिव इंटीजर के लिए, इसमें पॉजिटिव भी था और जीरो भी इंक्लूड था। अब हम लोग ये प्रूव करेंगे किसके लिए कि अगर नेगेटिव इंटीजर रहेगा फिर तो इसके लिए क्या होगा, क्या उसके लिए भी ये फॉर्मूला वैलिड होगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर एन, क्या हो जाएगा कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये किसका है, हम लोग कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा,
इक्वल कर रहे हैं ना, पावर एन है तो यानी एन बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जो पीछे पढ़े कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप कैसे फॉलो हो रहा है, एंगल ऐड हो जा रही है कॉस में, साइन में एंगल ऐड हो जा रही है, तो कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा ये आ जाएगी पॉजिटिव के टर्म में। अब निगेटिव के टर्म में देखते हैं कि क्या होती है अगर निगेटिव इंटीजर रहा तो पावर में, ठीक है। अब क्या है कि n बिलोंग्स टू क्या कर देंगे, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर देखिए कि हम लोग इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। n को हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, माइनस एम के इक्वल, हम ऐसे कर दिए। से का मतलब मान मान लिए, लेट कर लिए, ठीक है। सपोज तो ऐसे n इक्वल टू माइनस एम, और m क्या है, m बिलोंग्स टू ऐसे लिख सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और पॉजिटिव तो माइनस में ही रहेगा, निगेटिव यानी एन क्या हो गया, निगेटिव हो गया इसका वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा करते क्यों है कि थोड़ा आसान हो, ठीक है। फिर हम पॉजिटिव के हेल्प ले करके इसको हम प्रूव कर सकें जो फर्स्ट स्टेप में किए कि पॉजिटिव था, ठीक है। तो देखिए कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर एन। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर एन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एम लेट किए हैं तो माइनस एम। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अच्छा ध्यान दीजिए इधर माइनस एम है, कोई भी पावर एम माइनस में रहता है, जैसे ए टू द पावर माइनस एन है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वन बाय ए टू द पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है। इतना पावर माइनस एम है, इसको क्या लिख सकते हैं, वन बाय कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। ये ऊपर जाएगी तो फिर माइनस एम आ जाएगी, तो कोई फर्क तो पड़ा नहीं। अब ध्यान दीजिए इतना लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं कि इसको, अच्छा ध्यान दीजिए, अब ये क्या हो गया, पावर में हो गया एम। अब एम यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है, एम पॉजिटिव है। अब एन इक्वल टू माइनस एम है तो ये एन क्या हो गया, निगेटिव हो गया, लेकिन एम तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव इंटीजर ले है। अब यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर का हेल्प लेकर के जो हम लोग फर्स्ट में प्रूव किए थे उसको हेल्प लेकर के हम इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर एम है यानी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला तो हम लोग प्रूव किए हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा, ठीक है। इसको लिख दीजिए बाय फर्स्ट केस, या फिर हाँ बाय फर्स्ट केस लिख दीजिए, अभी हम लोग तो प्रूव ही कर रहे हैं तो ये तो लिख सकते हैं बाय फर्स्ट केस, ठीक है। कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा। अब ध्यान दीजिए कि इसको हम लोग आगे कैसे कर सकते हैं, क्या हम लोग देखें कि वन बाय कॉस एम थीटा प्लस आयोटा साइन एम थीटा था, ठीक है। अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, हमको नीचे में क्या करना है, एक रियल नंबर बनाना है, ठीक है, डेनोमिनेटर को। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, कंजुगेट क्या होता है कि आयोटा वाला पार्ट को यानी इमेजिनरी पार्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो कॉस एम थीटा माइनस आए साइन एम थीटा, ठीक है, बाय कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो गया, कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा बाय। अब ध्यान दीजिए क्या है कि ए प्लस बी, पूरा को बी मान लीजिए, ए मान लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कॉस एम थीटा का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर की जगह तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर साइन साइन एम थीटा का स्क्वायर, तो साइन साइन एम थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ये, और आई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस वन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस कॉस एम थीटा का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एम थीटा, कॉस के आगे में एंगल सेम है, साइन के आगे में एंगल सेम है, और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एम थीटा, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन के इक्वल होता है। तो इसको ये दोनों को इसको किसके इक्वल कर सकते हैं, नीचे वाला को वन के इक्वल कर सकते हैं। तो हमारा क्या आया रिजल्ट, कॉस एम थीटा माइनस आयोटा साइन एम थीटा ये आया, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, कॉस एम थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस एम थीटा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, ये पूरा को थीटा ले लीजिए या फिर एंगल ले लीजिए, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा प्लस में हो जाती है, तो इस पर तो कुछ फर्क पड़ा नहीं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर माइनस आयोटा है, तो ठीक है आयोटा को रहने दीजिए, प्लस आयोटा लिख दीजिए, ठीक है। अब ये माइनस प्लस आयोटा इंटू माइनस साइन एम थीटा है, तो माइनस साइन एम थीटा कब होता है, साइन माइनस थीटा, तो क्या लिख सकते हैं, प्लस आयोटा साइन माइनस एम थीटा, ये लिख सकते हैं, बस समझ गए, प्लस आयोटा इंटू साइन माइनस एम थीटा, इस पर तो कुछ फर्क पड़ा नहीं क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा। तो इस चीज़ में और इस चीज़ में केवल देखने में अंतर है, बात तो वही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कॉस माइनस एम थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एम की जगह क्या लिख सकते हैं, एन लिख सकते हैं ना, माइनस एम को हम क्या लेट किए थे, एन एन के इक्वल माइनस एम लेट किए थे ना, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, माइनस एम की जगह एन लिख दिए। ये भी निगेटिव के केस में भी क्या हुआ कि कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, यानी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर एन है, तो उसको हम लोग पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस एन थीटा प्लस उसी को तो आगे बढ़ा रहे थे, प्लस आयोटा साइन एन थीटा हो गया, यानी निगेटिव के केस में भी क्या हो गया कि हम लोग ये लिख सकते हैं, बस समझ गए। अब ध्यान दीजिए कि हम लोग अब देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में, प्रॉपर फ्रैक्शन में यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कंपैरिजन में क्या होगा, लेस होगा। इम्प्रॉपर क्यों नहीं लिए, इम्प्रॉपर क्या हो गया, न्यूमरेटर ज़्यादा रहेगा इसके कंपेयर के न्यूमरेटर के तुलना में, ठीक है। तो फिर तो वो क्या हो जाएगा, एक होल नंबर में फिर वो पॉजिटिव हो गया या फिर निगेटिव ही होगा, तो ये दोनों केस अप्लाई कर देंगे, तो फिर वो होल में और ये इसमें जो फ्रैक्शन में आएगा उसको प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आ जाएगा, तो उसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि नहीं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर एन है, तो कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर सब पे वैलिड हो गया तो फिर इसको डी मॉर्गन थ्योरम जो कह रहा है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर एन, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका ये हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि अब इसके लिए प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या होती है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर n को क्या मान लेंगे, p बाय क्यू के रूप में मान लेंगे। अब ध्यान दीजिए कि p बाय क्यू क्या होगा, एक p और q क्या होगा, इंटीजर होगा, तभी तो फ्रैक्शन में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि अगर दोनों पॉजिटिव है, p भी पॉजिटिव है और q भी पॉजिटिव है, तो p बाय क्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब क्या है कि p भी निगेटिव है और q भी निगेटिव है, तो फिर ये तो पॉजिटिव ही आ गया ना, ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस कट गया। अब ध्यान दीजिए कि p पॉजिटिव है q निगेटिव है, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल निगेटिव हो गया। अगर p निगेटिव है q q क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी ओवरऑल क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो मान लीजिए कि q को हम लोग एक ओवरऑल जो रिजल्ट पर कुछ प्रभाव नहीं पड़े, q को हम लोग पॉजिटिव मान सकते हैं। क्यों, अगर ध्यान दीजिए ये पॉजिटिव है तो ये अगर नीचे में ध्यान दीजिए कि a बाई बी है, अगर नीचे में माइनस रहता है तो क्या ऊपर में लिख सकते हैं कि नहीं, अगर ये भी माइनस में थे तो कट ही गया, लेकिन अगर ये माइनस में है तो ऊपर नीचे माइनस वन से मल्टीप्लाई करके माइनस इस माइनस को यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, यानी क्यू को हमेशा के लिए हम पॉजिटिव मान सकते हैं, बस समझ गए। तो पी क्या हो गया कि पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है, ठीक है। अगर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव को इधर शिफ्ट कर दिया, निगेटिव हो गया। अगर ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो इसका हम लोग इस रिजल्ट में प्रयोग कर सकते हैं कि क्यू को हमेशा के लिए हम लोग पॉजिटिव पे कर देंगे, जिससे कोई भी इस पर रूल का लॉस नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब ध्यान दीजिए कि क्या है कि क्यू को हम लोग क्या मान लिए कि पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। पी जो है, पी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, बस समझ गए, पी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, बस समझ गए। अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन थीटा बाय क्यू, ठीक है।
क्यू को हम लोग पॉजिटिव ले लिए, ऐसे तो लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन थीटा बाय क्यू, इस पर पावर क्यू कर दिए, ठीक है, ये पॉजिटिव है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यू इंटू थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन क्यू इंटू थीटा बाय क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव वाला भी हम लोग फर्स्ट केस में देखे कि अगर ये पावर में रहेगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट के क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा प्लस, ये तो ये कट गया ना, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन, ये भी कट गया, क्या हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा हो गया। अब ध्यान दीजिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग एंथ रूट बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, एंथ रूट ले लेंगे, एंथ रूट मतलब एनवा रूट ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग एंथ रूट बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग पहले LHS मान ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसी को हम लोग प्रूव करेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा, अब LHS इक्वल टू x इक्वल टू y है तो y इक्वल टू x भी तो लिख सकते हैं ना, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन हमको इसी को पावर पावर n को, इसी का पावर n करना है और उसको ये प्रूव करना है कि cos n थीटा प्लस आयोटा sin n थीटा के इक्वल होगा, ठीक है, इसी को ले रहे हैं, इसको और क्या करेंगे, nth रूट ले लेंगे, ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, ठीक है, अच्छा इसका ऐसे कर रहे हैं कि इसका qth रूट ले रहे हैं, ठीक है, क्यूथ रूट, ठीक है, फिर पी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इस पर पावर क्या आ जाएगा, वन बाय क्यू, एक इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, इस पर वन बाय क्यूथ रूट लेंगे तो इसका मतलब क्या, वन बाय क्यू पावर कर देंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर वन बाय क्यू, और इस पर पावर वन बाय, इसी के इक्वल तो ये है, तो बोथ साइड मतलब ये वाला और ये वाला, इसको इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो कॉस थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन थीटा बाय क्यू, इस पर पावर क्यू है, और उस पर पावर वन बाई क्यू करेंगे तो क्यू क्यू तो कट जाएगा, तो ये किसके बराबर, इसके बराबर हो गया, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है, और इस पर क्यू और ऊपर पावर वन बाई क्यू करेंगे तो क्यू क्यू तो कट गया ना, कोई फर्क तो पड़ा नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि पावर पी लेंगे दोनों साइड, रेजिंग पावर पी बोथ साइड्स, पी पावर ले लेंगे, यानी प्लस और माइनस वाला तो हम लोग देखेंगे, पॉजिटिव वाला भी देख लिए, निगेटिव वाला भी देख लिए, तो पी पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी ले सकते हैं, इस पर पावर पी करेंगे तो इधर भी पावर पी करना पड़ेगा, ठीक है, तो ऐसे कीजिए क्या होता है, इरेज कर रहे हैं इसको, क्यू थ्रू ले लिया, अब क्या करेंगे कि रेजिंग रेजिंग पावर P टू बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे, पावर P को रेज करेंगे, ठीक है, P पावर रेज करेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर क्या हो जाएगा, वन बाय क्यू, इस पर पावर P, यानी P बाय क्यू हो जाएगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन थीटा बाय क्यू, इस पर पावर क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है, तो इसको क्या ले सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इस पर पावर क्या होगा, P बाय क्यू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, P पॉजिटिव हो या निगेटिव, हम लोग पॉजिटिव वाला भी फर्स्ट केस में देख लिए, निगेटिव वाला भी सेकेंड केस में देख लिए, यानी उसके हेल्प से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, cos इसके साथ मल्टीप्लाई होता था, cos थीटा उस पर पावर n रहता था, प्लस आयोटा sin थीटा उस पर पावर n रहता था, क्या करते थे, n पॉजिटिव हो या निगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते थे, तो क्या लिख सकते हैं, cos P इंटू थीटा बाय क्यू प्लस आयोटा साइन P इंटू थीटा बाय क्यू, ये लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा अरेंज कीजिए तो क्या होगा, कॉस P बाय क्यू इंटू थीटा, ऐसे लिख सकते हैं, P बाय क्यू लिख सकते हैं ना, प्लस आयोटा साइन P बाय क्यू इंटू थीटा, और समझ गए, कॉस P बाय क्यू इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन P बाय क्यू इंटू थीटा, यानी इस बात को देखिए कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, पी बाय क्यू क्या फ्रैक्शन माने हैं, पी और क्यू क्या हो इंटीजर हो, तो इस बात को हम लोग क्या लिख दिए, पी बाय क्यू क्या हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, यानी इस बात को हम लोग प्रूव कर दिए कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर फ्रैक्शन रहेगा, तो फ्रैक्शन को भी हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसी को हम लोग ये प्रूव किए, तो कॉस पी बाय क्यू इंटू थीटा प्लस आयोटा साइन पी बाय क्यू इंटू थीटा, ये लिख दिए, तो यानी अगर एन क्या है कि फ्रैक्शन भी है, फ्रैक्शन भी है, तो इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर एन है, तो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा,
ये भी इक्वल हो जाएगा। यानी हम लोग तीनों तीनों केस प्रूव कर दिए कि एन क्या हो, पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो या फिर फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, उस केस में भी क्या कर सकते हैं हम लोग, जो पावर रहेगा उसको एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस समझ गए। तो यही था डी मोइवर्स थ्योरम, DEMOIVRES। ठीक है, डी मोइवर्स थ्योरम। अच्छा चलिए, तो अब इस पर हम लोग कुछ कुछ सवाल देखते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए कि सवाल क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। ठीक है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इस पर पावर क्या है, 8 है। फिर नीचे में क्या है, इसको रिवर्स कर दिया, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, इस पर पावर क्या है, 4 है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर 8 और साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा पर पावर 4 है। ठीक है, इसको क्या कह रहा है, एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस इतना इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई के रूप में इसको क्या कर रहा है, ये करने के लिए। ठीक है, ध्यान दीजिए इधर, यहां पर क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्या प्रयास करेंगे कि यहां पर कॉस थीटा और आयोटा जो है साइन थीटा के साथ आ जाए। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग काट सकते हैं, काट देंगे तो फिर ये पावर में एड सब्ट्रैक्ट होगा। उस तरह हम लोग ये लिख सकते हैं डी मोइवर्स थ्योरम के प्रयोग से, एक्स प्लस आई वाई के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, क्या लिख देंगे इसको, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पर पावर 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं, डी मोइवर्स थ्योरम से कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा, ये लिख सकते हैं बाय। अब ध्यान दीजिए, साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, आयोटा कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, आयोटा कॉस थीटा हो जाएगा ये, प्लस वन बाय आयोटा, वन बाय आयोटा ले लिए तो क्या हो, आई आई कट गया तो ये साइन थीटा ही बच गया, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, वन बाय आयोटा साइन थीटा ये हो गया। इसमें से आई कॉमन लेना, इस पर पावर 4 है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। ठीक है बाय। अब ध्यान दीजिए कि ए, इसको पूरा को बी मान लीजिए, ए बी पर पावर 4, इसका मतलब इस पर भी पावर 4 और इस पर भी पावर 4, तो ए टू दी पावर 4 कीजिएगा और क्या होगा, कॉस थीटा प्लस, अब ध्यान दीजिए कि 1 बाय आयोटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आयोटा को 1 बाय आयोटा इंटू आयोटा कर सकते हैं, ऊपर नीचे दोनों तो कट गया, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, लेकिन काटेंगे नहीं, आई बाय आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं, आई बाय आई स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1, तो ये क्या हो गया, माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस आयोटा हो गया, यानी 1 बाय आयोटा को माइनस आयोटा लिख सकते हैं। तो क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस 1 बाय आयोटा साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय आयोटा को माइनस आयोटा लिख सकते हैं, यानी माइनस आयोटा साइन थीटा ये लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आयोटा टू द पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो, माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, प्लस 1 ही तो हो गया, ये तो 1 हो गया, ये क्या हो गया, ये किसके इक्वल, 1 के हो गया, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, इस पर पावर 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसको क्या कर सकते हैं, चलिए थोड़ा इसको इरेज करते हैं। ठीक है, ये देख लिए, अच्छा ध्यान दीजिए, हम लोग क्या देखे थे कि इक्वल टू कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा। ठीक है, आयोटा साइन 8 थीटा इक्वल टू बाय, बाय क्या हो जाएगा, आयोटा टू द पावर 4, तो ये तो 1 हो गया, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं, पावर 4 है तो डी मोइवर्स थ्योरम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, कॉस 4 थीटा माइनस आयोटा साइन 4 थीटा, ये लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए इधर, इसको भी प्लस के रूप में लिखिए, क्या लिख सकते हैं, कॉस 8 थीटा, तभी तो इसको हम लोग काट सकते हैं, कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा बाय,
कॉस फोर थीटा को हम लोग कॉस माइनस फोर थीटा लिख दिए, तो कुछ तो ये गड़बड़ नहीं हुआ, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर हो जाता है। प्लस प्लस, अब ध्यान दीजिए इस माइनस को इधर ले जाइए, अंदर ले जाइए, क्यों, साइन माइनस साइन थीटा की इक्वल होता है, तो प्लस आयोटा साइन माइनस फोर थीटा ये लिख दिए, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए इधर क्या कर सकते हैं, अब ध्यान दीजिए कि कॉस एट थीटा है प्लस आयोटा साइन एट थीटा बाय कॉस माइनस फोर थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस फोर थीटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इधर, इक्वल टू कॉस एट थीटा प्लस आयोटा साइन एट थीटा बाय, ये क्या लिख सकते हैं, कॉस कॉस फोर थीटा प्लस आयोटा साइन फोर थीटा, इस पर पावर माइनस वन लिख सकते हैं ना, इस पर क्या लिख सकते हैं, पावर माइनस वन, पावर माइनस वन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इस माइनस वन से नेगेटिव वाला भी देखें कि हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉस माइनस फोर थीटा प्लस आयोटा साइन माइनस फोर थीटा, कुछ फर्क तो पड़ा नहीं, बस समझ गए, यहाँ पर पावर माइनस वन कर दिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एट थीटा प्लस आयोटा साइन एट थीटा, ठीक है, यहाँ पर पावर माइनस वन है तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में पावर वन हो जाएगा, इंटू ये दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस फोर थीटा प्लस आयोटा साइन फोर थीटा, ठीक है, इसके साथ ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू माइनस वन है तो ऊपर पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रियल वाला के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, कॉस एट थीटा इंटू कॉस फोर थीटा, ठीक है। अच्छा लेकिन सबसे पहले अभी अभी देखिए, अभी कुछ देर पहले हम लोग क्या देखे कि कॉस कॉस थीटा वन प्लस, अच्छा यहाँ पर एट थीटा है ना, कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू था, तो क्या करते थे, कॉस वाला ऐड हो जाता था, उसके एंगल जो है थीटा वन थीटा टू ऐड हो जाता, तो हम लोग उसको क्या लिख सकते हैं, कॉस एट थीटा, अभी जो हम लोग इंडक्शन वाला देखे थे, तो कॉस एट थीटा प्लस फोर थीटा ये लिख सकते हैं, प्लस अब ध्यान दीजिए आयोटा साइन ये क्या हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा, एट थीटा प्लस फोर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस ट्वेल्व थीटा प्लस आयोटा क्या हो जाएगा, साइन ट्वेल्व थीटा, यानी एक्स एक्स क्या होगा यहाँ पर, कॉस ट्वेल्व थीटा प्लस आयोटा साइन ट्वेल्व, यानी आई वाई, तो वाई क्या होगा यहाँ पर, साइन ट्वेल्व थीटा, यानी एक्स प्लस आई वाई के रूप में इसको क्या कर दिए, एक्सप्रेस कर दिए, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, ये समझ गए, एक्स प्लस आई वाई के रूप में इसको एक्सप्रेस कर दिए, अब अगला सवाल भी देखते हैं, अगला सवाल क्या है, ध्यान दीजिए इधर क्या है, ए वन प्लस आयोटा बी वन इंटू ए टू प्लस आयोटा बी टू इंटू ए थ्री प्लस आयोटा बी थ्री, ठीक है, इंटू डॉट डॉट क्या हो जाएगा, ए एन प्लस आयोटा बी एन, ये दिया हुआ है हमारा किसके इक्वल, ए प्लस आयोटा बी के इक्वल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्ट में क्या प्रूव करना है, ध्यान दीजिए तो इसको क्या प्रूव करना है, ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इंटू ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर इंटू ए थ्री स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर डॉट डॉट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। और सेकेंड में क्या प्रूव करना है, टेन इनवर्स बी वन बाय ए वन प्लस टेन इनवर्स बी टू बाय ए टू प्लस टेन इनवर्स बी थ्री बाय ए थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस टेन इनवर्स
बी एन बाय ए एन किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स बी बाय ए के इक्वल, ये प्रूव करना है ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे प्रूव करते हैं ठीक है। सवाल देख लिया, अब ध्यान दीजिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक पोलर कोऑर्डिनेट में ले जाएंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा हमारा ये क्वेश्चन जो है आसान हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन तक पहुंच पाना ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट में क्या देखे थे कि ये है एक पॉइंट है यहाँ पर एक्स वाई, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हो गया, इस पॉइंट को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया क्योंकि प्लेन में है, तो एक्स प्लस आयोटा वाई एक नंबर हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हैं ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, आर है, ये है एक्स है, ए वाई है, तो इसको एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू आर, ये थीटा है तो आर कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इसको वाई को क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फार्मूला लगाए तो क्या हो, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाय आर, यानी वाई इक्वल टू आर साइन थीटा हो जाएगा, आर साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं ठीक है। बस समझ गए, यानी एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग इस पोलर कोऑर्डिनेट में से, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है ये डिस्टेंस प्लस ये थीटा में आर कॉमा थीटा, इस पोजीशन को लोकेट करने के लिए आर कॉमा थीटा से भी हो सकता है कि इतना आर है या थीटा एक्स एक्सिस से इतना एंगल है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उससे भी हम लोग ये पता कर सकते हैं। तो एक्स को आर कॉस थीटा और वाई को आर साइन थीटा लिख सकते हैं ठीक है। हमारे पास क्या था, ए वन प्लस आयोटा बी वन ठीक है, ए टू प्लस आयोटा बी टू ठीक है, इसको हम लोग डॉट डॉट, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ध्यान दीजिए, ए वन को क्या लिख सकते हैं, ए वन को आर कॉस ऐसे लिख देते हैं, अल्फा वन लिख देते हैं, आर वन कॉस अल्फा वन ठीक है, क्योंकि सबका वैल्यू तो अलग अलग होगा, ये जो डिस्टेंस है इसका भी वैल्यू अलग होगा, आर वन कॉस अल्फा वन, और क्या हो जाएगा तो बी वन क्या हो जाएगा, आर वन साइन अल्फा वन हो जाएगा ना, आर वन साइन अल्फा वन। फिर इसी तरह ए टू को हम लोग क्या सपोज कर लेंगे, ऐसे सपोज कर ले रहे हैं ठीक है, मान ले रहे हैं, क्या हो जाएगा ए टू को क्या लिख देंगे, आर टू कॉस अल्फा टू, और बी टू को क्या लिख सकते हैं, आर टू साइन अल्फा टू ऐसे लिख सकते हैं। बस समझ गए, इसके सबको लिख, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए एन को आर एन कॉस अल्फा एन लिख सकते हैं, और बी एन को क्या लिख सकते हैं, आर एन कॉस सॉरी साइन, इमेजिनरी पार्ट में क्या हो जाएगा, साइन अल्फा एन ऐसे लिख सकते हैं ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, और यहाँ पर आर एच एस में हमारे पास क्या था, ए प्लस आयोटा बीटा, इसको क्या लिख देंगे, आर कॉस, एक जगह हम लोग क्या लिख देंगे, आर कॉस अल्फा लिख देंगे, अल्फा वन नहीं, अल्फा वन सब हम लोग ले लिए हैं, कॉस अल्फा लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर साइन अल्फा ठीक है, बी के जगह, जो इसको हम लोग इक्वल में प्रूव करना है, ए प्लस आयोटा बी ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए कि इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए इधर, ए वन प्लस आयोटा बी वन, ए टू प्लस आयोटा बी टू, कहाँ तक करना है मल्टीप्लाई, ए एन प्लस आयोटा बी एन तक, तो हम लोग ए वन और आयोटा, ए वन प्लस आयोटा बी वन की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ए वन की जगह ये, बी वन की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। अच्छा तो इसके जगह ये क्या लिखिए, ये वाला पुट कीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, पुट करिएगा तो क्या होगा, ए वन की जगह आर वन कॉस, अच्छा आर वन कॉस अल्फा वन प्लस आयोटा बी वन, आयोटा ये हो जाएगा, बी वन की जगह आर वन साइन अल्फा वन, तो इसको क्या ले सकते हैं, आर वन कॉमन ले सकते हैं, प्लस आयोटा साइन अल्फा वन हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, इन टू आर टू कॉस अल्फा टू, और क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा साइन अल्फा टू ठीक है, डॉट डॉट आर एन कॉस अल्फा एन प्लस आयोटा साइन अल्फा एन ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए कि आर वन आर टू आर एन, ये क्या लिख सकते हैं, आर वन आर टू डॉट डॉट आर एन, और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस अल्फा वन प्लस आयोटा साइन अल्फा वन, कॉस अल्फा टू प्लस आयोटा साइन अल्फा टू, कॉस अल्फा एन प्लस आयोटा साइन अल्फा वन। अभी हम लोग देखें इंडक्शन प्रोसेस से, मैथमेटिकल इंडक्शन से, ये क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो इन टू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस क्या हो जाएगा,
अल्फा थ्री प्लस डॉट डॉट अल्फा एन तक ऐड हो जाएगी, फिर और क्या हो जाएगी, प्लस आर वन आर टू, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अब इसकी जगह क्या ले सकते हैं, कॉस अल्फा वन प्लस अल्फा टू और प्लस टू अल्फा एन तक प्लस आयोटा, और इसको क्या ले सकते हैं, आयोटा साइन अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस डॉट डॉट अल्फा एन तक लिख सकते हैं प्लस, ठीक है, आर वन आर टू आर एन तो सब में दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल है, ए प्लस आयोटा बी के इक्वल है, दोनों साइड कंपेयर करेंगे, ठीक है, ए प्लस आयोटा बी को दोनों साइड, अच्छा दोनों को हम लोग क्या माने हैं कि इसका किसके इक्वल हो जाएगा, आर इन टू उसका आर ले लिए हैं, आर इन टू कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ठीक है, बड़ा वाला को जिसके इक्वल हम हमारे सवाल में दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या दोनों साइड कंपेयर करेंगे किससे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, ठीक है, तो ध्यान दीजिए, तो R1, R2, Rn क्या हो जाएगा, R1, R2, Rn, डॉट डॉट Rn क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, R के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए कि cos अल्फा वन प्लस अल्फा टू इसको ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा के इक्वल हो जाएगा, ये वाला में क्या हो जाएगा, ये R के इक्वल हो गया, और अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस अल्फा थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा एन ये किसके इक्वल हो गया, अल्फा के इक्वल हो गया, अल्फा या फिर थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही है हमारे पास ये बड़ा वाला, तो अल्फा के इक्वल हो गया। अब ध्यान दीजिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अल्फा वन है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा वन को क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स बी वन बाई ए वन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर ये है ए वन बी वन है, ठीक है, ए वन ए वन प्लस आयोटा बी वन हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ठीक है, ये है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी वन हो जाएगा, ए वन हो जाएगा, रियल नंबर से ही तो बना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो टेन थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा, तो बी वन बाय ए वन ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, तो टेन इनवर्स अगर टेन इनवर्स ये रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल, ठीक है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से, तो टेन इनवर्स बी वन बाय ए वन क्या हो गया, अल्फा वन के इक्वल, प्लस टेन इनवर्स बी टू बाय ए टू प्लस डॉट डॉट इस टाइप से करते जाएंगे क्या होगा, टेन इनवर्स बी एन बाय ए एन, ये किसको किसके इक्वल हो गया, टेन इनवर्स, अब ये अल्फा क्या है हमारा, जो ए प्लस आयोटा बी दिया हुआ था इक्वल में, इसका ही तो है ये, यही एंगल तो है, टेन इनवर्स बी बाई ए, वही एंगल तो माने हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टेन इनवर्स बी बाई ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, अब ये हो गया। अब ध्यान दीजिए और हमको क्या प्रूव करना था, टेन इनवर्स बी वन बाई ए वन, और ये किसके इक्वल हो गया, टेन इनवर्स बी बाई ए, ये प्रूव करना था, और यही प्रूव करना था ना कि आर वन आर टू आर एन इसके इक्वल हो जाएगा आर के इक्वल, या फिर कुछ और था, तो चलिए देखते हैं, चलिए फिर तो वो आसानी है, वो बना लीजिएगा जो भी था वो सवाल, तो चलिए फिर थैंक यू, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग।